नमस्कार अमरीजन, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज़ है लगातार BHU UG मॉकअप राउंड एडमिशन को लेकर। देखो भाई, जब भी कोई फॉर्म आता है तो तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए फिलअप करना, क्योंकि जो वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेज आने लगते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक हो जाता है, बहुत सारे लोग अचानक से उसको लॉग इन करेंगे, या फिर कई बार क्या होता है कि वो अपने पूरे फॉर्मेट में अपडेट ही नहीं हुआ होता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, अभी फॉर्म मत भरो, आराम से सुबह या आफ्टरनून से स्टार्ट करना फिलअप करना। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो अभी केसेस मुझे सुनने को मिले, वो तीन तरीके के बच्चे मिले। पहला ये जिनको फॉर्म ही नहीं दिख रहा है, दूसरा जिनको प्रेफरेंस नहीं शो कर रहा है, और तीसरा जो फॉर्म कैसे कैसे करके फिलअप कर पा रहे हो तो पेमेंट में ग्लिचेस आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फॉर्म पर तुरंत ना जाएं, कल सुबह तक का आप इंतज़ार कर लो और उसके बाद फाइनली आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे एक ऐसे बच्चों की पूरी कम्युनिटी है जो फाइनली सेलेक्ट हो चुकी है, यानी उनको BHU में BA, BLLB, BSc, BCom ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ के FMC और एफिलेटेड कॉलेजेस में मिल चुके हैं। तो अब करना क्या है, ये बच्चे जो हैं इसमें 30-35% लोग को तो कहीं ना कहीं हॉस्टल्स मिल जाएगा, लड़कियों को उससे थोड़ा और कम दें। एफिलेटेड में हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते, RGST जो जा रहे हैं उनको 100% हॉस्टल अकोमोडेशन मिलता है। तो पूरा बात ये समझ में आपको आ गया होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अब हॉस्टल्स नहीं मिलेगा, जो कहीं ना कहीं किसी भी हॉस्टल्स में नहीं जा पाएंगे BHU के अंदर, तब वो कहाँ रहेंगे, उनको अरेंज करना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्टल्स, ठीक है। और मैं वैसे खासकर लड़कियों को थोड़ा रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ईयर में कि वो हॉस्टल्स ही लें जनरली, मतलब जहाँ तक उनको पॉसिबल हो सके। बाकी आप रूम और फ्लैट, PG, ये सब चीज़ें भी अपने आप को कहीं ना कहीं भी सुटेबल जहाँ बैठे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन जल्दी से चेक करो इसी वीडियो का, ठीक है। वहाँ पर आपको एक हॉस्टल वाला लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप बस उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और उस ग्रुप में एक आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा कि किस लोकेशन में आपको हॉस्टल चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी और आप ऑटोमेटिकली कॉल बैक पा जाओगे हॉस्टल ऑनर की तरफ से कि हाँ मेरे यहाँ अवेलेबल है, कितनी सीटें हैं, ये प्राइसिंग है, ये फूटिंग है, और आप फाइनली जब BHU आना तो आप उनके यहाँ विजिट कर लेना। तो इस तरीके से आपके पास एक ही नहीं, कम से कम 2-3 ऑप्शंस होंगे, और आप उन 2-3 जगहों पे, क्योंकि जो हॉस्टल वाला ग्रुप है वो बेसिकली ऐसा नहीं है किसी को भी रिकमेंड कर रहा है, वो भी कुछ जो अच्छे रिकमेंडेड बच्चों के थ्रू ही हॉस्टल्स हैं उन्हीं को रिकमेंड कर रहा है। तो आप चाहो तो हॉस्टल वाला को कांटेक्ट कर लो और वहाँ पे आपका बेसिकली जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 50-60% तक सॉल्व हो जाएगा। बाकी उसके बाद आप तो BHU स्टूडेंट हो जाओगे, तो धीरे धीरे अपना और भी अरेंजमेंट देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि कल सुबह मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें मॉपअप राउंड फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का, जो पूरी लिस्ट है, जो रिजल्ट है, काउंसलिंग का है, तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके बाद में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिप्लाईज देने पड़ गए, बहुत सारे मैसेज मिले थे। तो क्यों, क्योंकि बच्चे पैनिक हैं और उन्हें आगे का अपडेट समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमिंग वीडियोस का इंतजार करें, जो कि कल आपको लगभग 11-12 बजे के बीच में मिल जाएगा और उसमें हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर ज्वाइन करो हॉस्टल वाला। मुस्कुराते रहो, हर हर महादेव।